हेलो दोस्तों, एक जॉब में आपका पुनः स्वागत है। और आज हमने UPPCS के लिए हमने बेसिकली ये मंगाए हैं हिंदी साहित्य के दृष्टि के प्रिंटेड नोट्स, बल्कि ये UPSC और UPPCS दोनों के लिए होते हैं। इसमें से कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें कर्टेल करने पड़ेंगे, और ये प्रिंटेड नोट दृष्टि के हैं जो हमने दिल्ली से मंगाए हैं, और ये बाई कुरियर हमने मंगाया है। और एक वोल शॉप था जिसको हमने नेट से जो है हमें नंबर मिला कहीं से, और हमने उसी पे कॉल करके ये नोट्स मंगवाए हैं। विद स्पाइरल हमको ये नोट्स यहाँ मुझे इन हैंड जो है 2200 रुपये के पड़े हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है क्या है और क्या क्या कौन कौन से नोट्स इसमें हमको मिलते हैं। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये कुछ इस तरह से दिखता है, ये काफ़ी अच्छे से इन्होंने पैक करके भेजा है। तो ये हमको 3 दिन में प्राप्त हुआ है, तो चलिए यहीं से देखते हैं इसको। तो इसको, इसकी जो ये ऊपर वाली बोरी थी, इसको काटने के बाद सीन कुछ ऐसा है, और ये इसके ऊपर एक रैपर और है, इसको भी हम फाड़ देते हैं। इसका कोई यूज तो है नहीं। ये चलिए, ये नोट्स ये देख सकते हैं आप। चलिए आगे देखते हैं इसको। तो ये हमने सारा, हमने इसकी जो है पैकिंग जो थी उसको तहस नहस कर दी है, और अब हम ये पहला ही देखते हैं कौन सा नोट्स है। ये नोट्स है पहला, हिंदी साहित्य क्लास नोट्स फर्स्ट, ये आई थिंक सीरियल से ही है, और ये हैंड राइटिंग में प्रिंट लिखित है, मतलब ये प्रिंटेड नहीं है, हैंड राइटिंग में है। आगे भी देखते हैं, ये तो हैंड राइटिंग में है, ये इसका पार्ट वन है। और ये हिंदी भाषा खंड के मॉडल उत्तर, ये भी जो है मॉडल उत्तर जो है इसके, ये भी इन्होंने विषय सूची तो प्रिंटेड दी है, बट आगे जो है इन्होंने इसको भी प्रिंटेड कर दिया है, सॉरी हैंड राइटिंग में कर दिया है। तो हो गए हिंदी साहित्य क्लास नोट्स 3, और ये भी आप जैसा कि देख सकते हैं इन राइटिंग है, राइटिंग काफ़ी अच्छी है और क्लियर भी है। और ये कुछ ऐसा है, इसमें बीच बीच में कहीं कहीं प्रिंटेड जो है इसका। ये हिंदी साहित्य क्लास नोट्स 2, ये भी वैसा ही है। ये हिंदी साहित्य का प्रश्न पत्र खंड खा, हिंदी साहित्य का इतिहास, तो इसको देख लेते हैं। ये प्रिंटेड नोट्स हैं, ये आप देख सकते हैं, ये जो है सारे प्रिंटेड नोट्स हैं, और आई थिंक ये सही है। इन्होंने एक बुक को जो है सीधा जो है ऐसा कंपाइल कर दिया है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, तो हमारे हिसाब से तो ये हमें अच्छा ही लग रहा है। और इसके बाद ये है हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र खंड खा भाग 2, ये भी हिंदी साहित्य का ही है, और ये हिंदी साहित्य पद्य खंड है भाग 2, और इसमें देखते हैं ये भी प्रिंटेड है पूरा, इसीलिए इसमें लिखा था प्रिंटेड प्लस हैंड राइटिंग, तो जैसा कि लिखा था वैसा ही निकल रहा है। और इसके बाद ये हमें क्या मिलता है, हिंदी साहित्य अभ्यास प्रश्न एवं उनके मॉडल उत्तर प्रश्न पत्र 1, तो 2 पेपर होते हैं जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, तो ये भी जो है इसमें मॉडल आंसर दिए हुए हैं और अभ्यास करने के लिए ये दिया हुआ, ये भी प्रिंटेड है। और उसके बाद ये हिंदी साहित्य व्याख्या पद्य खंड भाग 1, तो हिंदी साहित्य की व्याख्या दी है, और ये भी इन्होंने जो है प्रिंटेड दिया हुआ है जी।
चलिए आगे देखते हैं। और हिंदी साहित्य का इतिहास, ये भाग तीन, इसके तीन भाग हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के, ये भी प्रिंटेड है। और हिंदी साहित्य का प्रश्न पत्र दो, एक का आपने देख लिया, प्रश्न पत्र दो का ये मॉडल उत्तर और अभ्यास प्रश्न पत्र है, ये भी आई थिंक प्रिंटेड ही है। ये भी देखिए साफ है, कोई दिक्कत नहीं है इसको पढ़ने में। और नेक्स्ट है आपके पास हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र का हिंदी भाषा और नागरी लिपि जो इसमें पूछी जाती है, प्राकृत पाली अपभ्रंश, वो सब इसमें दिया हुआ है, ये भी प्रिंटेड ही है। और इसके बाद हम देखते हैं हिंदी साहित्य गद्य खंड, पद्य खंड हमने देख लिया था, ये गद्य खंड है। आगे देखते हैं ये हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र दो खंड खा गद्य साहित्य भाग एक उपन्यास और कहानियाँ इसमें दी हुई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं गोदान, दिव्या, महिला आंचल, महाभोग, प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, एक दुनिया समानांतर, ठीक, तो ये भी प्रिंटेड है। और हिंदी साहित्य का ये नाटक और निबंध, वो उपन्यास और कहानी थी, ये नाटक और निबंध है, ये भी प्रिंटेड है। और इसमें आए हुए क्वेश्चन जैसे देख लीजिए कितना अच्छा दिया हुआ है, अभ्यास एक प्रश्न पत्र भी दिए हुए हैं, सब प्रीवियस ईयर पेपर के हैं, तो कंटेंट तो हमें अच्छा लगा है। मैंने पहली बार हिंदी ऑप्शनल के ये नोट्स देखे हैं, अभी तक हमने नेट पे ही देखे थे, रियल में अभी देख रहा हूँ मैं। और हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र दो खंड का पद्य साहित्य भाग दो आधुनिक कविता, ठीक, इसमें जो है भारत भारती, कामायनी, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता आदि जो है ये दिए हुए हैं, ये भी जो है प्रिंटेड नोट्स हैं, ये सब दृष्टि के ही हैं प्रिंटेड नोट्स, कहीं से भी कॉपी आपको नहीं मिलेगा। और ये हिंदी साहित्य मध्यकालीन कविता कबीरदास, मलिक मोहम्मद जैसी, सूरदास, तुलसीदास और बिहारी, ये भी जो है प्रिंटेड है। तो फाइनली जो है हमने आपको सारा कुछ दिखा दिया है, और हमें देखना है इसमें कितने हमको नोट्स मिले हुए हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, तेरह जो है प्रिंटेड हैं, और ये हैंड राइटिंग वाले हैं तीन, एक, दो और तीन और चार, चार, तो 13,017 है। आई थिंक ये 2200 का मुझे पड़ा है, और मुझे तो नहीं लगता है कि ये महंगा मुझे पड़ा है, क्योंकि अगर मैं ये PDF ले कि भी कहीं से भी मान लो मिल जाती उसको करवाता तब भी 1,500-2,000 तो ले ही लेता, ठीक। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपके लिए ये जानकारी थी छोटी सी, आप भी अगर आपको भी ज़रूरी लगता है तो आप इनबॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, आपको मैं इसका पता दे दूँगा, और आप भी अगर वीडियो आपको मंगवाने हैं तो आप मंगवा सकते हैं, ये आपकी इच्छा अनुसार है, मैं इसका कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बस केवल आपकी सुविधा के लिए मैं बता रहा हूँ। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।